दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 अधिसूचना आज आपके संदर्भ में एक बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रही है। आपका जो पीईटी 2022 का ऑनलाइन आवेदन हो रहा था उसके संदर्भ में बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं कितने छात्रों ने फार्म भरा है, बिल्कुल इसकी बारे में हम आपसे बात करेंगे। और आप सभी को पता है आपकी जो पीईटी 2022 का जो एग्जाम डेट निकल कर आया है वह 18/9/2022 को होने वाला है, ठीक है। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं यहां पर दिया गया है कि अपना स्टेटस कैसे चेक करें। देखिए अगर देखा जाए, अगर पीईटी अपने फॉर्म का आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। और नीचे यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है इस बार मुकाबला और कठिन होने वाला है, जिसके पीछे रीजन यह है कि अब की बार जो फॉर्म भरा गया है वह पिछली बार से करीब या मान के चलिएगा कि 15 लाख से अधिक आवेदन आए हुए हैं। तो देखिए आपके सामने अपडेट है, यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि समूह ग प्रारंभिक परीक्षा के लिए 37 लाख आवेदन। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि समूह ग के पदों पर होने वाली भर्ती से पहले आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में रिकॉर्ड तोड़ 37.34 लाख आवेदन युवकों ने आवेदन किए हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है परीक्षा 18 सितंबर 2022 को प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में 20,73,000 आवेदन आए थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग पदों भर्ती के लिए पीटी में शामिल होने वाले अनिवार्य कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। इसके लिए 47,68,872 ने पंजीकरण कराते हुए 37,34,446 ने फीस जमा किया है। प्रवीण कुमार के मुताबिक परिणाम घोषित करने में 5 से 6 माह लगेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आपके पीटी में जो टोटल आवेदन आए हुए हैं, इतने लोगों ने पंजीकरण कराया था। और यहां आप देख पा रहे हैं उसके नीचे 37,34,446 लोगों ने फीस जमा करके पूरे फॉर्म को सबमिट किया है, ठीक है। और यहाँ इस कॉलम में आप देखते हुए चलेंगे, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वर्ष 2021 में पीटी के लिए 20,73,000 आवेदन किए थे, इस बार 18 सितंबर 2022 को प्रस्तावित है, ठीक है। यहाँ आपने इस अपडेट को देखा और इसमें हम आपसे बात करेंगे कि आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप सरकारी की वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ पर UP SSC की वेबसाइट भी आपको प्राप्त होगी, वहाँ से आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाएंगे। और नीचे यहां देख पा रहे हैं इस बार कठिन होने वाला है मुकाबला, बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आपने पीटी का फॉर्म अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है पिछली बार की अपेक्षा इस बार की परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको जो स्कोर है वह और अधिक प्राप्त करने होंगे, क्योंकि आवेदकों की संख्या इस बार ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। रही बात आपके एग्जाम की, तो आपके एग्जाम की जो डेट रखी गई है वह 18 सितंबर रखी गई है, ठीक है। 18 सितंबर को दिन रविवार पीटी का सकुशल आपका एग्जाम कराया जाना प्रस्तावित है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।